और वहीं गुजरात चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर है। गुजरात में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। कल पहले फेज की वोटिंग हुई, 89 सीटों पर मतदान हुआ। पिछली बार से वोटिंग कम हुई इस बार, ये गौर करने वाली बात है। हालांकि 60% से ज्यादा मतदान हुआ है, 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग हुई है और पिछली बार से वोटिंग कम दर्ज की गई। गुजरात के पहले चरण में कल 60% से ज्यादा वोटिंग हुई। कल 19 जिलों की 89 सीटों पर वोट डाले गए और करीब 60.47% लोगों ने वोट किया। ये पिछली बार के मुकाबले 7% कम था। पहले फेज में कम मतदान ने राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी है और इसके मायने तराशे जाने लगे हैं। आम तौर पर माना जा रहा है कि किसी चुनाव में कम मतदान से सत्ताधारी दल को फायदा होता है। सियासी जानकारी के मुताबिक वोटर्स जब सरकार के कामकाज से संतुष्ट होते हैं या वो परिवर्तन के पक्ष में नहीं होते तो बूथ तक कम मतदाता जाते हैं। वहीं वोटिंग में इजाफे को परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसका लिटमस टेस्ट 8 दिसंबर को होगा, जब वोटों की गिनती होगी। कल पहले चरण की वोटिंग के बाद 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बीजेपी रिकॉर्ड 7वीं जीत के साथ सरकार बनाने की जुगत में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस भी उम्मीद लगाए बैठी है कि सत्तारूढ़ सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के चलते उसका 3 दशक से जीत का सूखा खत्म होगा। आम आदमी पार्टी ने भी इस बार परिवर्तन का दावा किया है। और वहीं पहले फेज की वोटिंग से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है। बड़ी खबर यह है कि पहले फेज में 62.89% वोटिंग हुई है और तापी जिले में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तापी में 76.91% मतदान हुआ है और वहीं इसके बाद नर्मदा जिले में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, जहां पर 73.50% वोटिंग हुई है। तो तापी और नर्मदा यहां पर सर्वाधिक वोटिंग हुई और सबसे ज्यादा तापी में वोटिंग हुई है, जहां पर 76% से ज्यादा वोटिंग। और कुल मिलाकर अगर फर्स्ट फेज की बात की जाए तो 62.89% वोटिंग हुई है। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। गुजरात में दूसरे फेज के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की आज 4 जनसभाएं हैं। सुबह 11 बजे कांकरेज में पीएम मोदी की पहली रैली है आज। पीएम मोदी गुजरात में धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। अब निगाह दूसरे चरण में वोटिंग वाली सीटों पर है। पीएम आज कांकरेज, पाटड़, सोजित्रा और अहमदाबाद में रैलियां करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कांकरेज में पीएम मोदी की पहली रैली है, जो सुबह 11 बजे होगी। पाटड़ में 12:30 बजे, सोजित्रा में 2:45 और अहमदाबाद में शाम 6 बजे रैली होगी। इससे पहले कल पीएम मोदी ने गुजरात में मेगा रोड शो किया। पीएम ने नरोदा से गांधीनगर तक 50 किलोमीटर तक का सफर किया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। लोगों ने पीएम का भव्य स्वागत किया। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने काफिला रोककर एक एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज राज्य में 3 जनसभाएं हैं। शाह आज एक रोड शो भी करेंगे। राज्य में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार कल शाम तक होना है।